42 के साथ आपकी मेजबान जोया मलिक। बच्चे किसी भी मुल्क का एक बहुत कीमती सरमाया होते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से इदारे हैं जो बच्चों की परवरिश और उनकी तालीम के लिए काबिले सताइश इकदामात कर रहे हैं। इन तमाम इदारों में SOS का नाम बहुत बुलंद और नुमाया मकाम रखता है। हमारे आज के दिन की मेहमान अलमास बट साहिबा हैं, जो कि SOS की डायरेक्टर हैं। आज हम जानेंगे कि वो एक इंसान के तौर पर कैसी हैं और एक डायरेक्टर के तौर पर क्या क्या काम कर रही हैं। आज का पूरा दिन उनके साथ गुजारेंगे, जानेंगे उनकी जात के हवाले से वो तमाम पहलू जो आज से पहले हम नहीं जानते थे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू SOS। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आइए। आपने अपने करियर का आगाज कब और कैसे किया? कब तो बहुत पहले का है, लेकिन मैं SOS में मुझे 21 साल होने लगे, तो उससे पहले आई स्टार्टेड माई करियर एज अ स्कूल टीचर। आफ्टर डूइंग माई मास्टर्स आई जॉइन्ड अ स्कूल एज अ टीचर, एंड देन आफ्टर 2 or 3 ईयर्स उससे सीनियर हुई, देन प्रिंसिपल, देन आई वॉज अ प्रिंसिपल फॉर 10 ईयर्स, देन आई केम टू SOS। अच्छा, अब तो इसको यहाँ आए हुए मुझे 21 साल हो गए, एंड ये था कि कॉन्टैक्ट मुझे SOS ने किया था। अच्छा। और जब मैंने आके देखा तो पहले तो मैं बहुत घबराई कि ओ माय गॉड, ये तो बड़ा कमिटमेंट का काम है, इतना टाइम देना, ज़िंदगी का सारा वक्त यहीं हो जाएगा। क्योंकि मुझे अपना भी पता था कि अगर मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ किसी चीज़ में तो फिर बहुत पूरी तरह ही हो जाती हूँ। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन मुझे ये लगा कि इस काम में इनर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। And I am a single woman, तो मुझे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप SOS में आने से पहले भी थी। हाँ, लेकिन वो होता है ना कि स्कूल में तो आप 2 बजे यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, लेकिन इस यहाँ तो है कि आप कमिटेड हैं। आप यहाँ पे जब 150 बच्चा आपको देख रहा है, आपने इतने बच्चों को, आप एक माँ 3-4 बच्चे रेज करती है, उसका दिमाग घुमा हुआ होता है। तो आप देखें जब इतने बच्चों के प्रॉब्लम हैं तो कम अज़ कम दिन में 50 इशू तो आते ही हैं ना आपके सामने कि जी ये बच्चा हुआ, ये लड़ाई हुई, ये हुआ, इसका ये किसी से झगड़ा हुआ, इसका पढ़ाई में ये मसला आ रहा है। कितनी चीज़ें होती हैं जो आप बात कर रहे होते हैं और सॉल्व हो रही होती हैं, तो उस बच्चों को देखना होता है, इतना उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को आप देख रहे होते हैं। तो बहरहाल जी, फिर मैंने अपने आप को कमिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर। और ये है कि बड़ा अच्छा, जैसे मैंने कहा कि इनर सेटिस्फैक्शन, आप इन बच्चों को मोहब्बत दें तो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलती है। आप हमें अपने बारे में ये बताएं कि आपने बचपन कहाँ गुजारा, बड़े होकर तालीम कहाँ से हासिल की? देखिए, मैंने लाहौर में, पेशावर में तालीम हासिल की। लाहौर में ग्रेजुएशन मैंने करेट से की, मास्टर्स मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया, और उसके बाद मैंने एज अ टीचर जॉइन किया स्कूल, प्राइवेट स्कूल, लाहौर का पहला प्राइवेट स्कूल SNA फाउंडेशन, वहाँ किया। अच्छा। वहाँ जॉब की, तो बच्चों के साथ मेरा ताल्लुक वहीं से बन गया था। एक तो ये था कि हम 2 बहन भाई थे, घर में कोई बच्चे नहीं थे, तो एक कमी सी होती है आपकी ज़िंदगी में। और जब स्कूल ज्वाइन किया तो इतने बच्चों से राबता होना, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था, द वे दे लुक अप टू यू, जो प्रिंसिपल हो, टीचर हो, बच्चे तो इतना आइडियलाइज कर रहे होते हैं कोई हद नहीं, तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। उसके बाद जब मैं SOS में आई हूँ तो फिर तो पूरी लाइफ ही ये बन गया, अब तो लगता है कि ज़िंदगी यही है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। आई यूज़ टू रीड अ लॉट, अब मेरे पास वक्त नहीं होता कि मैं कोई किताबें पढ़ूं, और ये फिक्शन का बड़ा शौक था, हज़ारों किताबें मेरे पास हैं,
लेकिन अब मैं पढ़ नहीं पाती, देख के बहुत दिल वो होता है कि पढ़ूँ लेकिन नहीं पढ़ पाती, टाइम ही नहीं होता। आप इतने बच्चों के उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी देखभाल में, उनकी तरबियत में, उनके मसाइल में, क्योंकि ये बच्चे जो हमारे पास आते हैं, आप देखें कि दे कम टू अस ब्रोकन पीसेस। हम इनको जोड़ के एक इंसान बनाते हैं इमोशनली। आप देखें ये बच्चे बहुत ट्रॉमा से, कई तो बहुत ट्रॉमा से गुजर के आते हैं कि बाप फौत हो गया, माँ की दूसरी शादी हुई जी, स्टेप फादर बुरी तरह ट्रीट कर रहा है, निकाल रहा है, ये कर रहा है, मैल ट्रीट हो रहे हैं बच्चे, या दोनों माँ बाप चले गए, बच्चे कभी किसी रिश्तेदार के पास, कभी किसी रिश्तेदार के पास, तो फिर वो हमारे पास लाए जाते हैं। हम बच्चे चाहे इन्फेंट्स भी हमारे पास आए हैं, हमने उनको भी रेज किया। कई दफ़ा हुआ है हमारे गेट पे लोग इन्फेंट्स छोड़ गए, अच्छा, उसमें एक उसमें बास्केट में जी एक बच्चा पड़ा हुआ, अच्छा, वो भी हमने पाले हैं, बड़े किए हैं। SOS की सबसे बड़ी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है इसकी कि उस खास अरसे के बाद आपको बच्चा मिलता है, मतलब एक साल में? नहीं, गांड से, गांड से। और बात यह है कि SOS विलेजेस का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा यूनिक सा चाइल्ड केयर का कॉन्सेप्ट है कि इसमें आप घर प्रोवाइड करते हैं। हर बच्चा जो गेट के अंदर दाखिल हो गया वो फिर ऑर्फन नहीं रहा, अच्छा, उसके पास घर है। अच्छा अच्छा, हमारे पास है छोटे छोटे घर बने होते हैं SOS विलेजेस में, और हर घर में 8 to 10 चिल्ड्रन, एंड देन इन एवरी हाउस देर इज ए मदर हु टेक्स केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन। तो फिर बच्चे की एक जिंदगी को एक वो मिल जाता है शेल्टर, इमोशनली भी वो बड़ा कि जी माँ है घर में, बड़ी बहनें हैं, भाई हैं, एक बड़ा छोटा सा घर है, इंडिपेंडेंट घर होता है वो, और उसका मतलब कि किचन भी अपना है, घर में कुकिंग भी अपनी हो रही है, वॉशिंग भी, और एक मुकम्मल घर होता है। तो बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ये बड़ा अच्छा होता है कि उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है। अब आप जाएं तो ये मेरा कमरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेड है, ये मेरी चीज़ें हैं, तो बच्चे को बड़ा ज़रा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस किसी भी बच्चे में तभी आता है जब आप उसको अटेंशन दें, अफेक्शन दें। मोहब्बत आपको बड़ा मजबूत बना देती है, पर इसकी कमी आपको बड़ा कमज़ोर कर देती है। बेशक, ज़िंदगी में किस शख्सियत ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया है? देखें, काम करने की तो मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल टीचर्स होते हैं आपके, आप उनको बड़ा आइडियलाइज करते हैं, वो था। और उसमें बचपन से मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था, टीचर बनने का। अच्छा, हाँ, तो वो मैंने कर लिया शौक पूरा। फिर जब मैं यहाँ आई हूँ तो अब बड़ा लगता है कि जैसे मैं कोई वो कर रही हूँ, गलत सी बात कर रही हूँ कि जी शायद किसी को खुश करने के लिए, ये ऐसा नहीं है। आप यकीन करें कि मैंने यहाँ आके जो कुछ भी सीखा है मिसेस सुरैया अनवर से सीखा है, मैंने उनकी एक एक मुझे उनका पता चलता है, मुझे बिल्कुल पता होता है कि ये बात वो कैसे करेंगी, इस मसले को वो कैसे हैंडल करती, वो क्या कहती। उन्हीं से सब कुछ सीखा है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई अभी तक ऐसा कोई नज़र आया है, हमारे इतने प्रोजेक्ट्स हैं, 14-15 प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे अभी तक कहीं भी कोई ऐसी खातून नज़र नहीं आई जो मैं सोचूं कि ये उनके शूज़ फिल इन कर सकती है। नो, क्योंकि उनका विजन, उनकी विजडम वो कहीं और नज़र नहीं आती। आपने अभी बात की कि SOS के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप लोग सब कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, हमें इनके बारे में ज़रा तफसील से बताएं। देखिए, SOS जो ये लाहौर विलेज है, ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि बना। अच्छा, उसके ये मिसेज अनवर ने कहीं देखा और इसको अमली जामा पहनाया कि हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया में है, उनको कॉन्टेक्ट किया और वो आए, और ये पहला प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाय द हेडक्वार्टर इन ऑस्ट्रिया, ये बना। उसके बाद से हमारे 15 प्रोजेक्ट्स और बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानीज अलोन। हमें हेडक्वार्टर से इजाज़त हम लेते हैं, बताते ज़रूर हैं, लेकिन बनाते हम अपनी मर्जी से हैं। तो हमारे हर पाकिस्तान के हर मेजर शहर में SOS चिल्ड्रन विलेज है। अच्छा, विलेज इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन हैव होम्स वेयर दे लिव, लेकिन उसके साथ एडजेसेंट स्कूल होता है हमारा, और वो सिर्फ SOS के बच्चों के लिए नहीं है,
स्कूल इज़ फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड ऑफ द कम्युनिटी, तो उन बच्चों को भी जो कम्युनिटी के बच्चे होते हैं उनको मौका मिलता है अच्छी तालीम हासिल करने का। उसके बाद लड़के जब होते हैं 12-13 के साल के, तो हम उनको अलग कर देते हैं। अच्छा। एक साल उन्हें हम रखते हैं एक हाउस में, बॉयज़ हाउस जिसमें वो रहते हैं। उसके बाद 14 पे हम उनको शिफ्ट करते हैं टू अ सेपरेट फैसिलिटी जिसको हम यूथ होम कहते हैं, जहाँ बड़े लड़के रहते हैं। ये इस्लाम के मुताबिक है कि जी हम उन बच्चों को अलग कर देते हैं। कईयों की बहनें होती हैं और बाकी सारी तो उसकी बहन ने नहीं है, तो उनको हम अलग करते हैं, लेकिन वो सुपरवाइज्ड है। अच्छा। हमारे से, और उस फैसिलिटी में लड़के रहते हैं, तालीम मुकम्मल करते हैं, ठीक है, जॉब्स ढूंढ लेते हैं, और जब अपने आप को सपोर्ट करने के काबिल हो जाएं, देन दे हैव टू लीव। तो ये है कि बच्चे जो, अब हर बच्चा तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, तो हम उसके पोटेंशियल के मुताबिक उनको हम भेजते हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट में। हमारे 3 तो अपने हैं SOS के वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें बाहर से बड़े लोग आके, मतलब बाहर से मेरा मतलब है दूसरे इलाकों के जो लोग हैं। अच्छा। वो भी आके उसमें हुनर सीखते हैं, कोई ना अच्छा। कोई स्किल, तो हम उन सब लड़कों को कोई ना कोई स्किल देते हैं जिससे कि वो अपनी बाइज्जत जो है वो ज़िंदगी रोज़ी कमा सकें। तो अब ये है कि हम बहुत से बच्चे हैं, हमारी बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कामयाब बच्चे जो हैं हमारे बहुत से ऐसे हैं जो BBA MBA करके बैंक्स में काम कर रहे हैं, कई लड़के फ़ौज में हमारे बड़े बच्चे हैं, और लड़कियां हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया, कॉलेजेस में भी पढ़ा रही हैं, स्कूल्स में भी पढ़ा रही हैं, जॉब्स कर रही हैं। फिर हमारी बड़ी कामयाबी है कि लाहौर विलेज से, सिर्फ एक विलेज से 40 लड़कियों की शादियां हुई हैं, तो एक ये भी हमारा बड़ा है। तो हम एक बच्चे का पूरा, हम माँ बाप का रोल अदा करते हैं कि जी बच्चियों के लिए शादियाँ अरेंज करना, फिर उनको फॉलोअप भी रखना कि कहाँ कोई है, कोई मसला तो नहीं वहाँ, उसको अच्छा उस पर भी देखते हैं। इसी तरह जहाँ लड़कों का है, जॉब्स में हम ज़रूर हेल्प करते हैं। बच्चे आ रहे होते हैं कि जी खाला फलाने बैंक में मुझे, मैंने अप्लाई किया है, आप देखें किसी को कह सकते हैं, या फलानी कंपनी में जॉब है, मैं वहाँ करना चाह रहा हूँ, ये तो हम ज़रूर हेल्प आउट करते हैं। और आप देखिए कि वैसे तो पाकिस्तानी बड़ी जेनरस कौम है, बहुत ये अदारे जो हैं हमारा जो चल रहा है वो पाकिस्तानियों की मदद से ही चल रहा है, कोई हमें फॉरेन एड तो नहीं आती, सब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी सेटल्ड अब्रॉड, व्हेन दे विजिट एंड दे सी थिंग्स विद देयर ओन आईज, दे जस्ट कैन नॉट बिलीव इट कि हमारे मुल्क में इतना अच्छा काम भी हो रहा है, तो पॉजिटिव को हम क्यों नहीं इतना हाईलाइट करते। हम नेगेटिव को ही रो रहे होते हैं कि जी मुल्क में यूँ, कहते हैं वहाँ हम बाहर बैठे हुए दिल परेशान हो रहा होता है कि हाय ये भी कहाँ भी ये हो रहा है, फलाने महकमे में ये हो रहा है, फलाने में ये हो रहा है, तो ये अच्छी चीज़ें क्यों नहीं दिखाते। पाकिस्तान में SOS जैसे कितने इदारे अंदाजन काम कर रहे हैं? वैसे SOS जैसे तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वैसे देखें आप ऑर्फनेजेस बहुत हैं। स्टैंडर्ड जो है जो SOS प्रोवाइड करता है या जो कॉन्सेप्ट है SOS का, वो आपको रकम मिलेगा कि जिस आप अभी हमें आपको अपने घर दिखाऊंगी। इसकी वजह क्या? वजह ये देखें, कॉन्सेप्ट तो घर देखें ऑस्ट्रिया से ही आया है कि जी माँ हो, बच्चे हो, प्रॉपर घर हो, बच्चे को एजुकेशन भी मिले, उसकी हेल्थ को भी देखा जाए, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी देखा जाए। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो ये है बहुत, हमें तो जिसने भी अप्रोच किया, कई इदारे ऐसे हैं जो बने, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि जी हमें हेल्प आउट करें। अच्छा। आपका जैसा है हम करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं बिल्कुल व्हाई नॉट। अच्छा। ऐसे हजारों बन जाएं, अच्छा। तो मुल्क की हालत सुधर जाए, मुल्क के बच्चों की हालत सुधर जाए, क्यों नहीं। बिल्कुल। तो हमने पर्सनली, मैंने क्या, अच्छा। सभी करते हैं हमारे इदारे से। अच्छा। जब कि वो जाके, हमारी प्रेसिडेंट मुझे खास कहती थी फलाने इदारे में जाके देखो क्या हो रहा है वहाँ, ये तो हमने बिल्कुल हेल्प आउट किया और कोशिश की कि इसी लाइंस पे चल सके। सही। अब ये है, चेक एंड बैलेंसेस बड़े इम्पोर्टेंट है, फिर बिल्कुल वो बिल्कुल। हो तो फिर चलते हैं। और हमारा जो है हेडक्वार्टर जो है वो मॉनिटर करता है हमारी हर चीज़, कैसे उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स, हर चीज़ का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करना है। अगर हमने SOS का नाम यूज़ किया है तो फिर हम उसी तरह हर चीज़ को रखें। बिल्कुल
तो इसलिए हमारा ज़रा डिफरेंट है दूसरे लोगों से। कईयों ने इन लाइंस पे करने की कोशिश की है, अच्छा, लेकिन उस तक तो नहीं पहुंच सके, बट हो रहा है। ठीक। और ये देखें कि हमारे पास जो भी बच्चा है, हर बच्चा स्पॉन्सर्ड है बाय समवन आउटसाइड। आउटसाइड से मेरी मुराद है कि पाकिस्तानी ही हैं, बाहर मुल्कों में हैं या यहाँ पे हैं, ठीक, वो स्पॉन्सर करते हैं बच्चे की कफालत। तो इस्लाम में कफालत का पे तो बड़ा वो है, बिल्कुल है। तो वो हर ये देखें कि हमारे पास लगी होती है, लाइन लगी होती है लोगों की कि जी अब बच्चा आएगा तो हमने स्पॉन्सर करना। किसी भी बच्चे की किफालत के लिए इदारा ख़ुद किसी न किसी डोनर को अप्रोच करता है या डोनर ख़ुद से इदारे के पास आता है कि कोई बच्चा वो अपनी किफालत में लेना चाहता है? जी, डोनर खुद ही आते हैं। हमें तो शुरू में शायद कभी कहना पड़ा हो, शुरू में आई एम श्योर हमारी प्रेसिडेंट को, बड़े लोगों को कहना पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने ये अदारा बनाया, फ्रेंड्स रिलेटिव्स इधर उधर, तब तो उनको कहना पड़ा। लेकिन अब तो यही हालत है कि लोग हमें खुद ही कहते हैं कि जी अब कोई बच्चा आए तो हमने करना है। हाँ, ये ज़िद्द होती है कईयों की कि जी लाहौर में ही करना है, क्योंकि हम अमरीका से, जब मेरे रिश्तेदार यहाँ पर, हम पाकिस्तान आते हैं तो लाहौर ही आते हैं, तो यहाँ का बच्चा, लेकिन डोनर खुद आते हैं। स्कूल से आजकल ये छोटे बच्चों के लिए तो स्कूल नहीं है, सिर्फ 9th-10th जा रही है। अच्छा। छोटे बच्चों के लिए वो वर्कशीट्स भेज रहे हैं। अच्छा। तो ये इनका एग्जाम है, हो रहा है आज काउंटिंग का, और ये पेंट कर करके ये कर रहे हैं। अच्छा। सारे बच्चे तो ये छोटी क्लासेस हैं, नर्सरी केजी है ये। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पेपर अच्छा किया है? अब वो काउंटिंग करेंगे, मैं चेक करूँ कि दिखाओ तो सही। देखें जी, ये इन्होंने किया जोया, देखें, वन, ये उतनी उतने पेन, बच्चे कितना शौक से करते हैं ना, उतने डॉट लगाने होते हैं, तो मुझे फिंगर्स से करते हैं, तो इनको एंजॉय ये कर रहे हैं कि जी पेंट करके कर रहे हैं। हमारे पास नर्सरी क्लास है और ये शर्जील हैं। हाँ, शर्जील हैं जनाब, वाओ, वेरी नाइस। अलमास भट्ट साहिबा ने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा। तो जी ये सारों का, ये भी देखिए, ओहो यहाँ क्या हो रहा है? लो जी जोया, देखो पेंटिंग, लैंडस्केप, वाह वाह। अच्छा, ये फिंगर प्रिंटिंग, अच्छा, फिंगर्स से कर रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छी, वेरी नाइस, हाउ क्यूट, ये तो बहुत ही छोटे 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 से प्रिंट, सो डिफरेंट, वेरी प्रिटी। अब ये इनका ख़त्म होगा तो इसके बाद ये लेके जाएगी इनको प्ले रूम में स्टोरी टेलिंग सेशन के लिए। अब ये कलेक्ट हो जाएगा ना? चलें चलें। बच्चों ने स्टोरी टेलिंग की क्लास भी ली। हम आज सारे यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं? स्टोरी टेलिंग के लिए। तो मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाऊंगी, जो कि क्या है, दो बहनों के ऊपर स्टोरी है। एक का नाम है सूफी और एक का नाम है बेला। बेला और सूफी दोनों क्या हैं? दोनों बहनें हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये शेयरिंग अ रूम, कमरे को शेयर, हम घर में करते हैं शेयर रूम अपना, और उसके अलावा हम क्या करते हैं, अपनी चीजें भी शेयर करते हैं। शेयर करना किसे कहते हैं? जब हम अपनी चीज किसी और को देते हैं, शेयर करते हैं, इसको शेयर कहते हैं। हाँ, इसको क्या कहते हैं? शेयर करना। तो ये जो स्टोरी है, ये क्या है, रूम शेयरिंग पे, हम कमरा कैसे शेयर करते हैं। अलमास भट्ट साहिबा ने SOS विलेज का दौरा कराया।
अच्छा जोया, ये एक घर है। अच्छा, हाउस नंबर वन। अच्छा ठीक हुए। वालेकुम सलाम। अच्छा, वालेकुम सलाम। ये वन हाउस एंड दिस इज द लिविंग एरिया, जहाँ बच्चों का ये टीवी लाउंज है इनकी, और इसमें छोटा सा इंडिपेंडेंट घर होता है। अब ये देखें कि एक बेडरूम। अच्छा, ये एक बेडरूम। एक बेडरूम हो गया। हाँ, फिर इसके बाद ये लिविंग एरिया, ठीक है। ये हाउस मदर, और यहाँ जी बच्चे, हाँ खाना यहीं खाते हैं, अपना घर। ये है किचन इनका। अच्छा, और वो और ये इनका स्टोर। ये एक तो मदर्स रूम है जी, और एक स्टोरेज प्लेस भी है। अच्छा ठीक है, स्टोर भी है, मदर्स रूम भी है। ठीक है, है। फिर उसके बाद ये सेकंड बेडरूम है। बिल्कुल सही, ठीक है जी। एक ये, फिर इनका हर हाउस का इंडिपेंडेंट किचन। अच्छा, हर हाउस का अपना किचन है। आज चूंकि खाना बाहर है तो इसलिए नहीं आज बना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सब अपना खाना अपना। अच्छा, दिस इज द बैकयार्ड। हर घर का अपना बैकयार्ड है। हर एक, इन्होंने जो तोता पाल रखा है, बच्चों ने अपने रखे होते हैं पेट्स भी, और ये तो ये इनका कंप्लीट अपने घर को देखना। कोई सब्जियां लगा रहे हैं, कोई फूल लगा रहे हैं। अच्छा, वो वेजिटेबल कभी है, देखें। अच्छा, हर घर का वहाँ उन्होंने लगाई। हाँ, भी है। वो हमारा एक छोटा सा जू भी है बच्चों के लिए, और अच्छा। वो जो रास्ता है वो, हाँ जी, जू के साथ साथ वो स्कूल को जाता है। अच्छा, जोया ये घर है जो हमारे एक एक्स बच्चे ने डोनेट किया है। ही वॉज फ्रॉम लाहौर विलेज, तो उसने कहा कि मैं एक घर डोनेट करना चाहता हूँ, तो ये घर उसने बनवा मतलब, कर दिया। अच्छा, बनवा कर दिया। हाँ, अच्छा, paid for it। यही तो कह रहे हैं कि देखें, मोहम्मद अफजल who lived in this village, तो उसने ये डोनेट किया है। और एक दफ़ा हेडक्वार्टर से जब लोग आए ऑस्ट्रिया से, तो वो सब गोरे यहाँ खड़े थे, और मैंने जब ये बताया कि ये घर हमारे अपने एक बच्चे ने दिया है, दे कुड नॉट बिलीव इट। उन्होंने कहा, नॉट इवन इन यूरोप हैज एनी चाइल्ड डन दिस। और बताना ये था कि बच्चे अपने नाश्ते में से हर एक ने कुछ ना कुछ बचाया होता है, क्रम्स ब्रेड के, वो जाते जाते अपने पेट्स को खिलाते हुए जाते हैं। कोई अपने जो अपने तोते हैं वो है, तो उनको अपने सब ने कुछ ना कुछ बचाया होता है कि जी मैंने अपनी, मेरी मुर्गी है वहाँ, मेरा तोता है वहाँ। अच्छा, उसको देते हुए खिलाते हुए जाते। अच्छा, तो बच्चों को ये भी सीखते हैं इस चीज से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कंपैशन होता है, कंपैशन पैदा होता है। exactly. तो ये हमने, हाँ, बच्चों दूसरों के लिए भी कुछ करना होता है। SOS विलेज में मौजूद डिस्पेंसरी का भी दौरा कराया। अस्सलाम वालेकुम। ये है वेटिंग एरिया, जब बच्चे आते हैं यहाँ बैठते हैं। फिर डॉक्टर जो हैं, ट्वाइस अ वीक डॉक्टर है। अच्छा, जो विजिट करती हैं, ये उनका ऑफिस है। अच्छा, ये हमारी नर्स हैं परवीन, ये होती हैं, ये बच्चों को यहाँ बिठाना, हर बच्चे की मेडिकल फाइल है। अच्छा, उसके मुताबिक फिर उनको डॉक्टर के पास भेजती हैं बारी बारी, वो तो उसमें जाते हैं। अलमास भट्ट साहिबा ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में शिरकत की। अलमास साहिबा, आपकी जो यहाँ पर मीटिंग हो रही है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए जी, ये है हमारी विलेज कमेटी की मीटिंग, और ये कमेटी जो है ये इसलिए बनाई जाती है कि हर शहर में हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, 15 प्रोजेक्ट्स में, हर जगह हम एक कमेटी बनाते हैं
लाइक माइंडेड पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प. तो ये वो लोग हैं जो हमें विलेज की रनिंग में हमें हेल्प करते हैं. कितने हमारे इश्यूज होते हैं जो हम मिल के सॉल्व करते हैं. फॉर इंस्टेंस, हमें एक शादी आ गई है तो हम इसी कमेटी में अनाउंस करेंगे कि देखें जी एक बच्ची की शादी है, तो उसमें ये सारी मिल के हमें हेल्प करती हैं. जहेज़ की सूरत में, फंक्शन अरेंज करने की सूरत में, ये सब जो हैं इकट्ठे हम लोग खड़े होते हैं हर चीज़ को देखने के लिए. बल्कि अगर रिश्ते की कोई छानबीन करनी हो उसमें भी हम इनकी हेल्प लेते हैं. कोई भी प्रोजेक्ट हो हम इनको बताते हैं और ये मिल के हमें हेल्प करते हैं. तो माशाल्लाह हमारी जो चेयरपर्सन हैं मिसेज लशारी, ग्रेट हेल्प. इनको किसी कोई भी काम कह दो फौरन फ़ोन उठाएंगी. अच्छा फलाने को कहते हैं, फलाने को, हमारे बड़े मसले हल होते हैं. और ये सारी ख़वातीन जो हैं हमारी, सब वेरी हेल्पफुल और सब हम इकट्ठे मिल के जो हैं काम करते हैं. क्योंकि लाहौर का नेशनल ऑफिस बैठ के हर शहर में नहीं चेक कर सकता, ना इतना फैसिलिटेट कर सकता है विलेज को. तो विलेज में तो बड़े काम होते हैं, जहाँ 150 बच्चा हो वहाँ 150 मसाइल भी होते हैं. तो उन सब को हल करने के लिए वो कहते हैं कि जी आप अपने शहर में एक कमेटी बनाएं. अच्छा. तो ये शहर के सरकर्दा लोग जो हैं माशाल्लाह सारे, तो ये हमें हेल्प करते हैं. इनमें से हर एक जो है वेरी हेल्पफुल, ऑलवेज देयर. जो काम हो उसमें हमें इनको कहना होता है कि जी ये फलाना काम आपने करना है. अभी ये अनवार साहब हमारे पीछे बैठे हैं, ये हमारे यूथ होम के डायरेक्टर हैं. तो अब ये हमें अपनी फाइल लेके आए होते हैं कि जी फलां लड़के ने ये कंप्लीट कर लिया कोर्स, एजुकेशन की है, बीबीए किया है, एमबीए किया है, ये इसकी जॉब के लिए ये फलानी कंपनी में. तो इनमें से कोई ना कोई मेम्बर उठेगी कि अच्छा मुझे दे दें सीवी, मैं इसके लिए जॉब का करती हूँ. तो इस तरह हम मिलके सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते हैं. SOS विलेज के डोनर की तरफ से बच्चों को लजीज खाना फराहम किया गया. बरतानवी शहजादे और शहजादी ने भी यहाँ SOS विलेज का दौरा किया था, उनके दौरे के बारे में बताइए. बस जी, वो दोनों प्रिंस विलियम और ड्यूक और डचेस जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने जब ये देखा सारा सिस्टम, तो वो बहुत इससे इम्प्रेस क्या हुए, बहुत खुश हुए. और उन्होंने एक घर विज़िट किया, जब एक मदर को देखा कि इतने बरसों से यहाँ हैं और उसके हाथ से सैकड़ों बच्चे निकल के चले गए हुए हैं, और किस तरह वो बच्चों को मोहब्बत से, शफकत से अपने साथ लगा रही है और कर रही है और बच्चों का इतना लाड प्यार. तो प्रिंस विलियम वाज सो टच्ड, कहते हैं कैन आई गिव हर अ हग, आई सेड यस. तो उसने उसको गले मिला उठ के. इतना मुझे अच्छा उस वक्त लगा कि उनको ये फैमिली लाइफ, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा अच्छा लगा. उन्होंने हमारा सारा विलेज देखा, बहुत खुश हुए. और दूसरे दिन जब उनकी फ़्लाइट नहीं जा सकी और उनके पास टाइम था तो कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हमने SOS वापस जाना. तो फिर दोबारा भी वो आए, बच्चों के साथ यहाँ क्रिकेट खेली, कैरम बोर्ड खेला, और बहुत उन्होंने बच्चों के साथ पेंटिंग की. बच्चों के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा उन्होंने. मुस्तकबिल में आप इस इदारे के लिए किस तरह के इकदाम करना चाहेंगी? देखिए जी, मैं तो एक प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ. असल में तो हमारा जो बोर्ड है वो एग्जेक्टिव कमेटी है. अच्छा. वो डिसाइड करते हैं. तो हम एक्सपेंशन तो हम कर रहे हैं, हमारे इतने, ये पहला प्रोजेक्ट था, उसके बाद 14 और बन गए हैं. तो एक्सपेंशन की तरफ ही हम हैं. और उसमें एक्सपेंशन में हम ये देख रहे हैं अब कि ऑर्फनेजेस से ज़्यादा ज़रूरत है जो बच्चे हैं सिंगल वर्किंग वेमेन के. कोई घरों में काम करती है, कोई फैक्ट्री में काम करती है, और उसके बच्चों के लिए देखभाल के लिए भी कोई नहीं होता, उनको तालीम देने के लिए भी कोई नहीं होता. तो हम उन बच्चों के लिए हम शेल्टर होम बना रहे हैं जहाँ उन बच्चों को रखा जाएगा. और उनकी हम स्कूल भी साथ होता है, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं, और जब वो किसी काबिल हो जाएंगे तब वो वहाँ से जाएंगे. तो ये हमने नया हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और 3 शहरों में हो चुका है. और हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं कि जी आगे भी जहाँ जहाँ सिंगल औरतें हैं, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, और उनको बेचारी ना पढ़ी लिखी हैं, ना कोई वो कर सकती हैं सिवाय इसके कि घरों में काम करें जाके, हम उनके बच्चों को ले रहे हैं. अच्छा, आपने बात की अभी सिंगल मदर्स की. एक औरत का एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आकर यहाँ काम करना कितना मुश्किल है, और मज़ीद इन मुश्किलात को औरत के लिए किस तरह कम किया जा सकता है? नहीं देखिए,
औरत के लिए जिस तरह इस लेवल पे, तो वो उनके लिए बहुत एक नेमत है कि जी कोई उनके बच्चों की एजुकेशन का भी करे, उनको एजुकेट करे, उनका ख्याल रखे, और वो आके मिल सकती हैं और बस, और सारी जिम्मेदारी उनकी जो है वो कोई अदारा ले लेता है वो है, और बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव उस पर या मदर्स जो आती हैं वो भी, दो बच्चे हैं तो हम ज़रूर ले लेते हैं, एक औरत दो बच्चों के साथ आके रह सकती है, उसके बच्चे भी पल जाएँ, पढ़ाई अच्छा। तालीम उनकी हो जाए और वो रह सकती है, और अच्छा। बड़ी महफूज इज़्ज़त की जगह है बेशक। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये है कि ख़वातीन जो है हमारे पास सुपरवाइजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो वो ज़ाहिर है वो जगहें फिल होती हैं तो लोग आते हैं तो फिल होती हैं, तो बड़ा अच्छा उनके लिए भी एक मौका होता है कि अल्लाह ताला ये देखे ना, इस काम में बड़ी इनर सेटिस्फैक्शन है कि आपने कुछ किया नहीं, कि वैसे भी आपको इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, और आखिर में भी आप आखिरत के लिए भी सोचते हैं कि वहाँ भी आपको इंशाल्लाह ताला सुरखुरु होंगे, क्या तो बात, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, क्या बात। हाँ, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी आपकी ज़ात से जुड़ी हो, या अगर तो है जो अभी पूरी नहीं हुई वो इन बच्चों से, इन माओं से जुड़ी हुई है और आप पूरा करना चाहती हैं? देखिए मुझे तो लगता है कि सारी जो है ना वो ख्वाहिशात हैं, पर वो कहते हैं ना कि हर ख्वाहिश पे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो बहुत सी होती हैं चीज़ें, लेकिन जो है ना एक मोहब्बत का खाना वो पूरा हो जाता है कि आपको इतने बच्चों का प्यार मिल जाता है, आप इनको एक बच्चे को गले लगाते हैं 10 आते हैं आपको और चिमटने के लिए, और कल हमारे एक बच्चे की मंगनी थी तो मैं उस पर गई हूँ तो सब बड़े लड़के आए हुए थे, हर लड़का बड़ा आके गले मिला, खाला खाला, तो मैं सोच रही थी सब मेरे इर्द गिर्द थे, तो वो जो दुल्हन के रिश्तेदार थे वो सारे देख रहे थे कि एक औरत के लिए कितना ये बच्चे कर रहे हैं, तो हम भी अंदर से खुश होते हैं कि देखो अगर हमने इनको प्यार दिया है तो हमें वापस भी मिल रहा है, तो वापस तो ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, और यही है हमारी चीज़ें कि जी अल्लाह ताला आखिरत अच्छी कर दे, और बस अब बुढ़ापा आ रहा है तो उससे भी वो खुद ही देखे कि क्या करना है। क्या बात। थैंक यू सो मच अलमास साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, आई एम डिलाइटेड, और ये है कि हमारे काम को वही है ना कि दिए से दिया जलता है, तो आगे तक बात पहुंचे और लोगों तक पहुंचे और जिस किसी को ज़रूरत है वो हम तक पहुंच जाए, ये भी है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, आज का ये खूबसूरत दिन एक इतनी खूबसूरत शख्सियत के साथ गुजार कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यकीन जानिए कि दिल को खुशी हुई, और ये जो दिए से दिए जलाने का जो सफ़र है, जो सिलसिला है, इस प्रोग्राम के थ्रू इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि जारी रहेगा। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला अगले संडे एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।